नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप दहशत का कारोबार करें, खुद को चेहरा बदलकर पेश करें और इशारा भी ना समझें तो क्या होगा? होगा ये कि एक ना एक दिन आपका भांडा फूट जाएगा और भांडा फूटेगा तो आपकी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप नाम के कुछ और हैं और काम के कुछ और। मोदी ट्रंप का पंच खत्म होगा आतंक का तंत्र। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। Both our nations have been struck by the evils of terrorism and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them। आतंकी सलाउद्दीन से हाफिज तक, नवाज के आतंकियों का काउंटडाउन। सलाउद्दीन को लेकर के जो निर्णय हुआ है वो निश्चय ही भारत के दृष्टिकोण की एक विजय है। अमेरिका ने किया सही किया, वे वास्तव में आतंकवादी हैं तो उनको आतंकवादी घोषित किया गया है। एक मुलाकात में आतंकवाद, अलगाववादी और आतंकी कैंप का सर्वनाश। दोनों देशों तथा समाजों का चौमुखी आर्थिक विकास तथा इनकी सांझी प्रगति राष्ट्रपति जी का तथा मेरा मुख्य लक्ष्य था और आगे भी रहेगा। दिस इज जस्ट शोज दिस राइट नाउ, ही विल नॉट एक्सेप्ट डबल फेस, टू फेस बिहेवियर। भारतीय उपमहाद्वीप में और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और उसके द्वारा पोषित आतंकवादी इस समय सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। आधी रात के एक्शन प्लान से पूरी दुनिया का आतंक साफ। We will destroy radical Islamic terrorism। एक मजबूत और सफल अमेरिका में ही भारत का हित है, इसी तरह भारत का विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भारत की भूमिका अमेरिका के हित में भी है। सात समंदर पार से कश्मीर के गद्दारों पर मोदी ट्रंप का सर्जिकल स्ट्राइक। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद हमारी रिक्वेस्ट के बिना सलालुद्दीन को एक इंटरनेशनल घोषित किया। आखिरकार पाकिस्तान कहीं ना कहीं अकेला खड़ा नजर आ रहा है विश्व पटल। आपके भारत तथा मेरे प्रति मित्र भाव के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दुनिया के दो ताकतवर मुल्क हाथ मिलाते हैं, उस आतंकवाद के खिलाफ हाथ मिलाते हैं जिसने कश्मीर में जहर घोल रखा है। और इस एक मुलाकात की अहमियत समझिए। पहले आतंकी की गर्दन फंसेगी और जब आतंकी फंसेगा तो आतंकी के वो हमदर्द भी फंसेंगे जो मुखौटा पहनकर दहशत का धंधा करते हैं, जो भारत की जमीन पर भारत के नौजवानों के हाथों में पत्थर थमा देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो आतंकवादी की जगह अलगाववादी ही कहलाते हैं। आज कश्मीर में जो हालात हैं उसके बाद जी न्यूज के दर्शकों के लिए और इस देश के लिए ये समझना जरूरी है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और आतंकी कॉन्फ्रेंस में कितनी बारीक लाइन बाकी रह गई है। खासतौर पर तब जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से याराना निभाने वाले आतंकी सलाहुद्दीन के माथे पर अमेरिका ने लगा दिया है ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा। एक मुलाकात जिसके शुरू होने से पहले ही आतंकी सैयद सलाउद्दीन की बोलती बंद करने का फरमान आ गया। टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कर्ज एंड दैट इट मस्ट बी फॉट इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट द यूएस एंड इंडिया वुड
do this together. Earlier this morning, again, I think most of you know that the State Department did the designation of Syed Salahuddin of the Hizbul Mujahideen as a specially designated global terrorist. So I think that was a strong signal coming out of the administration that it was committed to ending terror in all forms. PM Modi ki Ameriki yatra 2 dinon mein khatm ho gayi, lekin Pakistan ke aatankiyon par final action shuru ho gaya. क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो, टेररिज्म हो, वो हर तरीके के आतंकवाद की मजम्मत करता है, हर तरीके के आतंकवाद को बढ़ावा देने से रोकता है. और वो ऐसे में अगर वो किसी को नेचुरल एलाई कहता है, सच्चा दोस्त कहता है, तो भारत के वो बिल्कुल साथ है. 12,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में मोदी ट्रंप मिले, लेकिन उसका असर पाकिस्तान में नजर आया. क्योंकि अब पाकिस्तान के टुकड़े पर पल रहे भारत के आतंकियों को भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया. ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारी मांग है अरसे से. हमें पता है कि इन्होंने क्या किया है हमारे खिलाफ, किस हद तक उन्होंने लोगों को उकसाया है और उन्हें उनकी मदद की है हमारे खिलाफ एक्शंस लेने में. सलाहुद्दीन के लिए अब जगह बहुत कम रह जाएगी और उन पर दबाव बढ़ता जाएगा. कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले सैयद सलाहुद्दीन को अमेरिका के विदेश विभाग ने कल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया. वैश्विक आतंकवादी घोषित करने से सलाहुद्दीन पर क्या असर पड़ेगा और इसका क्या मतलब है, ये भी जान लीजिए. अब सलाहुद्दीन के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की फंडिंग बंद हो जाएगी. सलाहुद्दीन के साथ किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन पर रोक लग जाएगी. अमेरिका में या अमेरिकी नागरिकों के लिए सलाहुद्दीन के साथ संपर्क रखना जुर्म माना जाएगा. अमेरिका में सलाहुद्दीन से जुड़ी कोई भी संपत्ति जब्त हो जाएगी और अब पाकिस्तान के लिए सलाहुद्दीन को मदद देना मुश्किल हो जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की नजरों में आतंकवादी बनने के बाद अब कभी भी सलाहुद्दीन का हाल उसामा बिन लादेन जैसा हो सकता है. आधी रात को मोदी और ट्रंप की मुलाकात में बने एक्शन प्लान में सबसे बड़ा प्रहार आतंकवाद पर हुआ है. आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा. हम आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे तथा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को यथासंभव गहरा करेंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने हर तरह के इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा करने की बात कही है. कुल मिलाकर देखें तो आतंकवाद पर पीएम मोदी और ट्रंप एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बनने से पहले सलाहुद्दीन ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए. कल एक वीडियो जारी करके सलाहुद्दीन ने अपने मारे गए कमांडर आतंकी बुरहान वानी को याद किया था. ये वीडियो सलाहुद्दीन ने कश्मीर के आतंकियों और अलगाववादियों के लिए जारी किया, लेकिन अमेरिका से आदेश आते ही अब वो छिपने का ठिकाना ढूंढ रहा है. 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के मासूम कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत का दिन है. मुत्तहिद जहाद कौंसिल जम्मू कश्मीर ने सरहद आर पार मैदानी कारजार और बेसकत में 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक हफ्ते शहदाए जम्मू कश्मीर पूरे जोश और जज्बे से मनाने का एहतमाम किया है. 9 जुलाई इतवार को हुर्रियत पसंद अवाम अपने कर्ब जवार में
मुकीम वर्सा और लवाहिकिन शहदा के पास जाकर इजहार हमदर्दी। दुनिया भर में मशहूर हो चुका आतंकी सलाउद्दीन कौन है और इस पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया ये भी जान लीजिए। सितंबर 2016 में सलाउद्दीन ने कश्मीर समस्या का शांतिपूर्ण समाधान नहीं होने देने की चुनौती दी थी। इसने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की मदद से कश्मीरी नौजवानों को आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग देने की धमकी दी। सलाउद्दीन ने कश्मीर घाटी को भारतीय सेना के लिए कब्रगाह बनाने की धमकी भी दी। अमेरिका का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि हाफिज सईद जैसे आतंकियों पर वो पहले ही पाबंदी लगा चुका है, लेकिन पहली बार किसी कश्मीरी आतंकी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। यानी अब कोई आतंकी अगर भारत में भी आतंक फैलाए तो भी अमेरिका की नजरों से बच नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।